हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है? सब पढ़ाई बढ़िया, मस्त एकदम। देखो बच्चों, हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अगले वीडियो में आ गए हैं और ये वीडियो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है? लेकिन बच्चों, ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब पुराने वीडियो आप देख लेंगे, क्योंकि इनका पुराने वीडियो से बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है। तो बच्चों, पुराने वीडियो जरूर एक बार देख लीजिए इस वीडियो को पढ़ने से पहले, तभी ये वीडियो समझ में आएगा और बिल्कुल 100% समझ में आएगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई बेटा समझाने वाली है, याद करके डिक्टेट करने वाली बिल्कुल नहीं है। देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेरेट फ्रेनेट फार्मूले। सेरेट फ्रेनेट फार्म, देखो बच्चों, तीन फार्मूलों को मिला करके सेरेट फ्रेनेट फार्मूले कहते हैं, लेकिन इसमें से दो फार्मूले हम पहले ही पढ़ चुके हैं और उनका हमने प्रूफ भी पहले कर लिया है। देखो क्या होते हैं, समझो। देखो तीन फार्मूले बच्चों होते हैं। पहला फार्मूला होता है dT/dS बराबर होता है कप्पा n। ये हम लोग n, n का मतलब n कैप, ठीक है? n का मतलब जहां भी n आएगा मतलब n कैप, t जहां भी आएगा मतलब t कैप। ध्यान रखना, n को बार बार n कैप लिखते नहीं है, लेकिन मतलब वो n कैप ही होता है, ठीक है? इसी को हम ऐसे भी कहते हैं, t- बराबर कप्पा n। और देखो बेटा, ये मैंने बताया था कि कप्पा का जो मतलब होता है ये होता है मॉडुलस ऑफ टी डैश, है ना? और टी का मतलब होता है आर डैश। टी क्या होता है? टी होता है बोलो आर डैश। तो टी डैश क्या हो जाएगा? आर डबल डैश। तो कप्पा को हम मॉड ऑफ आर डबल डैश भी कह सकते हैं, क्योंकि टी डैश का मतलब आर डबल डैश। तो देखो, ये पहला फार्मूला जिसका प्रूफ हम लोग कर चुके हैं पहले ही, इसका प्रूफ बच्चों हम लोग पहले भी कर चुके हैं। दूसरा फार्मूला देखो बच्चों होता है यहां पर dN/dS बराबर टाउ बी। ये होता है टाउ बी माइनस कप्पा टी, टाउ बी माइनस कप्पा टी। देखो बी का मतलब बी कैप, टी का मतलब टी कैप और एन का मतलब एन कैप। जहां भी बी आ रहा मतलब बी कैप, जहां टी आ रहा मतलब टी कैप और जहां एन आ रहा है मतलब एन कैप। ये बात ध्यान देना है ना। एन का मतलब है एन कैप, एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल। बी का मतलब है बी कैप यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग बाई नॉर्मल। और टी का मतलब है टी कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, ठीक है? तो दूसरा फार्मूला होता है dN/dS बराबर टाओ बी माइनस कप्पा टी। देखो ये भी वेक्टर है, क्योंकि एक्चुअली ये ऐसे है वेक्टर, है ना? एक्चुअली ये एन कैप है और एक्चुअल ये वेक्टर है, एक्चुअली ये भी वेक्टर है। यहां भी देखो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। अगर हम वेक्टर नहीं भी लिखें तभी कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब वेक्टर ही समझा जाएगा। तो dN/dS बराबर होता है टाउ बी माइनस कप्पा टी। ये देखो बेटा सेकंड फार्मूला होता है। तीन फार्मूले हैं, पहला ये, दूसरा ये, और देखो तीसरा भी हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं। तीसरा होता है dB/dS बराबर माइनस टाउ एन कैप। इसको भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। और टाउ होता है मॉडुलस ऑफ बी डैश, जिसको हम टॉर्जन कहते हैं, टॉर्जन, ठीक है? और इसको कप्पा को हम लोग कहते हैं कर्वेचर, कर्वेचर कहते हैं कप्पा को। और ध्यान देना, जो dN/dS होता है ना, dN/dS इसको कहते हैं स्क्रू, ठीक है? स्क्रू कर्वेचर वेक्टर कहते हैं इसको, स्क्रू कर्वेचर वेक्टर, है ना? किसको? dN/dS को कहते हैं हम लोग स्क्रू कर्वेचर वेक्टर, है ना? ये एक वेक्टर है। ये हम लोग बेटा पहले प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि इसको हमने प्रूव करने के लिए अच्छा खासा समय लिया था, पूरा एक घंटे क्लास लगाकर हमने इसको प्रूव किया था। इसको भी हमने पहले प्रूव किया था एक घंटे क्लास, पिछले तीन चार वीडियो देख लेंगे तो सबसे पहले आपको इसका प्रूफ मिलेगा। अभी सर इससे ठीक पहले वाले वीडियो में, हाँ इससे ठीक पहले वाले वीडियो में नहीं, उसमें थ्योरम की थी, उससे पिछले वाले वीडियो में मैंने इसको प्रूव किया था। तो पहला फार्मूला और तीसरा फार्मूला बेटा हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं। पुराने वीडियो अगर आप देखेंगे, पिछले तीन चार वीडियो देख लोगे तो उसमें आपको इन दोनों के प्रूफ मिल जाएंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को मिला करके कहा जाता है सेरेट फ्रेनेट फार्मूला। इन तीनों को मिला करके, इसमें तीन, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी चीजें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इनको मिला के करते हैं हम सेरेट फ्रेनेट फार्मूले, ठीक है? तो अब देखो इसका प्रूफ बता चुका हूं, इसका प्रूफ मैं बता चुका हूं, अब मुझे इसका प्रूफ देखो यहां पर बताना है। देखो ध्यान दो, इसका प्रूफ हम लोग यहां पर अब करेंगे। फर्स्ट और थर्ड का प्रूफ देखो बता चुका हूं। देखो ध्यान दो बेटा, मैंने बताया था आपको क्या होता है। देखो ये ऐसे करके याद रखा जाता है, ये होता है टी कैप,
ये होता है एन कैप और ये क्या होता है बोलो, बी कैप। ठीक है, तो इसका मतलब देखो जो एन कैप होता है ना, एन कैप ये क्या होता है, बी कैप क्रॉस टी कैप। बस समझे ना, एन कैप को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, यहां पर एन कैप को लिख सकते हैं बी कैप क्रॉस टी कैप। देखो एक डायरेक्शन में टी क्रॉस एन हो जाएगा बी, एन क्रॉस बी हो जाएगा टी, और बी क्रॉस टी क्या हो जाएगा एन, है ना। टी क्रॉस एन बी, एन क्रॉस बी टी, और बी क्रॉस टी एन, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। देखो ध्यान दो, इसका डिफरेंसिएशन करो एस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखो पहला दूसरे का डिफरेंसिएशन प्लस देखो पहले का डिफरेंसिएशन और इनटू दूसरा। ठीक है, पहला दूसरे का डिफरेंसिएशन प्लस पहले का डिफरेंसिएशन इनटू दूसरा। अब देखो बच्चों ध्यान दो, डी टी बाई डी एस, डी टी बाई डी एस का मतलब देखो ये कप्पा एन, तो ये क्या हो गया बी क्रॉस, है ना, कप्पा, ठीक है, एन कैप। और प्लस देखो डी बी बाई डी एस, डी बी बाई डी एस क्या है, माइनस टाउ एन, तो माइनस टाउ एन और क्रॉस टी कैप। अब देखो ध्यान दो, कप्पा को बाहर ले लो, ठीक है ना, कप्पा को बाहर ले लो, ये हो जाएगा बी क्रॉस एन, माइनस देखो टाउ को बाहर ले लो, ये हो जाएगा एन क्रॉस टी। अब देखो ध्यान दो, बी क्रॉस एन, देखो ध्यान दो, बी क्रॉस एन को बच्चों देखो एन क्रॉस बी कितना होगा टी, एन क्रॉस बी कितना होगा टी, तो बी क्रॉस एन कितना हो जाएगा, बी क्रॉस एन हो जाएगा माइनस टी, है ना, एन क्रॉस बी टी होगा, तो बी क्रॉस एन माइनस टी। देखो समझो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं डी एन बाई डी एस बराबर, देखो ये कप्पा हो गया, बी क्रॉस एन को लिख सकते हैं माइनस टी, और देखो एन क्रॉस टी, देखो टी क्रॉस एन कितना होगा बी, समझो ध्यान से, टी क्रॉस एन कितना होगा बी, तो एन क्रॉस टी कितना हो जाएगा, एन क्रॉस टी हो जाएगा माइनस बी, है ना, टी क्रॉस एन हो जाएगा बी, तो एन क्रॉस टी कितना हो जाएगा माइनस बी। तो देखो यहां पर हम माइनस टाओ और एन क्रॉस टी को लिख सकते हैं माइनस बी। तो देखो यहां से क्या हो रहा, डी एन बाई डी एस क्या हो गया, ये हो गया टाओ बी और माइनस कप्पा टी। देखो यही हमको प्रूव करना था, ये प्लस का टाओ बी और माइनस कप्पा टी। तो सेकेंड को बेटा मैंने प्रूव कर दिया, तो सेरेट फ्रेनेट फार्मूलों के लिए बिल्कुल परेशान मत हो, ये वही चीजें हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका प्रूफ मैंने बताया था अच्छे से, और इसका प्रूफ भी मैंने बताया था अच्छे से, और इसका प्रूफ मैंने अभी कर दिया। तो इन तीनों को मिला करके कहा जाता है सेरेट फ्रेनेट फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ में। अभी थोड़ा सा हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में कुछ और बातें भी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ टॉर्सन भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे ब्रेक के बाद नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।